बिल्कुल, देखिए कितने लोग निकल रहे हैं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 6 बजे से यहाँ पर भीड़ लग गई थी अच्छी खासी, देखिए कतार यहाँ पर वोटर्स की देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए महिलाएं जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सुबह 6 बजे से इन सब लोगों ने यहाँ पर आकर, देखिए गाँव में कहा जाता है, वैसे भी ये गाँव है, यहाँ पर लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। 44 दिनों के बाद इस चुनावी महायज्ञ की आज आहुति का अंतिम दिन है। आज देखिए 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर वोट आज डल रही है और आज आखिरी दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप बड़ा हंस रही हैं, क्या नाम है? मनसा देवी। हाँ मनसा देवी जी, ये बताइए कितने बजे आ गए आप सुबह? हम आ गए 7 बजे के लिए, है ना? 7 बजे। 7 बजे। हाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुजाता भी इस बुलेटिन में मौजूद है। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आखिरी चरण के तहत चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सम्मान किया है। JP नड्डा ने वोट डाला बिलासपुर में। JP नड्डा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हिमाचल की सभी चारों सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, सभी चारों सीटों पर चुनाव हो रहा है। और ऐसे में हिमाचल के तमाम लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो वही हिमाचल के बिलासपुर में JP नड्डा ने वोट डाला, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं। वोट डाला, पहला वोट डाला। और अब तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखाते हैं जहां से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन भी कतार में खड़े हो गए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, पत्नी के साथ वो पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। गोरखपुर से लगातार दूसरी बार रवि किशन मैदान में है और रवि किशन लगातार चुनाव प्रचार भी करते रहे और हमेशा वो कहते हैं कि वो योगी की खड़ाव लेकर चल रहे हैं क्योंकि परंपरागत तौर पर ये मठ की योगी की सीट रही है। उसके बाद 2019 से ये मौका मिला रवि किशन को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का और अब दूसरी बार फिर से एक बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। गोरखपुर में आज मतदान हो रहा है, गोरखपुर में भी आज मतदान हो रहा है और यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन फिलहाल मतदान करने के लिए पहुँच गए हैं। इस बीच लगातार बड़ी खबरें भी हम आपको बता रहे हैं। JP नड्डा ने वोट डाला, मोदी ने भी पोस्ट किया है, दो लोगों से अपील की है, उन्होंने कहा है कि मतदान करके लोकतंत्र को जीवंत बनाएं। आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण, मतदाताओं से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील, हर वोट उज्जवल भविष्य का आधार है, लोकतंत्र को और जीवंत बनाएं। मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट किया है, हर वोट उज्जवल भविष्य का आधार। और इस बीच आपको बता दें ओपी राजभर, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ओपी राजभर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, इस वक्त क्यू में आपको नजर आ रहे हैं और ओपी राजभर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की बची हुई हैं और वहां पर वोट डाला जा रहा है। और इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ओपी राजभर की, जो इस वक्त कतार में आपको नजर आ रहे हैं, कई दिग्गज जिन्होंने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है, चाहे बात जेपी नड्डा की हो, इसके अलावा रवि किशन भी उधर क्यू में लगे हुए हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ओपी राजभर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोहेल देव पार्टी समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं और फिलहाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं ओपी राजभर। इसी तरह से तमाम दिग्गज वोट डाल रहे हैं, तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज हो रहा है और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरह की हलचल है क्योंकि मतदान शुरू हुए अब 35 मिनट हो चुका है। 7 बजे मतदान शुरू हो गया है 57 सीटों के लिए और एक बार फिर हम तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं कहाँ कहाँ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित हमारे साथ वाराणसी से है, हमीरपुर हिमाचल से है, हमारे साथ सृष्टि है, हमारे साथ लोमा
हुकूमत चंडीगढ़ से हैं, अनामिका सिंह काली बिहार के काराकाट सीट से हमारे साथ है, राघविंद हमारे साथ मिर्जापुर से हैं। मंडी का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं। मंडी में किस तरह की हलचल है प्रियंका, लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहाड़ के लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं।